देखिए दिल्ली में सर्दियां बढ़ने के साथ ही स्मॉग की समस्या यानी कि वायु प्रदूषण की भी समस्या हर रोज बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर रोड की, जहां पर आपको ये एंटी स्मॉग गन चलती हुई नजर आएगी। दरअसल ईडीएमसी की ये यानी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा जो स्मॉग एंटी स्मॉग गन है वो चलती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, जहां पे आगे की तरफ और साइड में नॉस्ट्रिल्स लगे हुए हैं। लगातार पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, प्रदूषण पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली के कई सारे इलाकों में संवेदनशील की स्थिति में पहुंच गया है। गाजीपुर रोड की अगर हम बात करें, गाजीपुर इलाका संवेदनशील इलाकों में से आता है और गाजीपुर के आसपास का इलाका यानी कि आनंद विहार भी कुछ ऐसे इलाकों में से दिल्ली के है जो बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक है, जहां का AQI 999 तक पहुंच चुका है। इस वक्त इस जगह की यानी कि पूर्वी दिल्ली में जहां पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, यहां पर क्या है स्थिति प्रदूषण की, ये हम सबसे पहले AQI मीटर से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 342 यानी कि करीबन 350 के पास ये जो AQI मीटर यानी कि हवा की गुणवत्ता बताने वाला ये मीटर है पहुंच गया है। और नीचे लिखा है वेरी पुअर यानी बेहद खराब की स्थिति में हवा की गुणवत्ता फिलहाल दिल्ली की बनी हुई है, गाजीपुर की बनी हुई है, और जिसे बेहतर करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एंटी स्मॉग गन के द्वारा लगातार पानी का छिड़काव जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 2 शिफ्ट्स में किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर जो है वो ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद गंभीर और बहुत खराब बनी हुई है। ज़रूरत है और ज़्यादा सुधार की, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार कहा है कि स्थिति जब गंभीर हो जाती है तभी उसके समाधान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि स्थिति गंभीर होने से पहले दिल्ली को जरूरत है कि समाधान के बारे में पहले से वक्त रहते हुए सोचा जाए। इस वक्त हम ड्राइवर से भी बात कर लेते हैं जो कि स्मॉग गन को चला रहे हैं, कोशिश करते हैं उनसे हमारी भी बात हो पाए और थोड़ी और जानकारी हम ले लेते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अरविंद है मैम। अरविंद, अरविंद जी कितने बजे से कितने बजे तक चला रहे हैं, कौन कौन से इलाकों में ये एंटी स्मॉग गन जाती है? ये गाजीपुर से आनंद विहार राउंड मारती है। अच्छा। और विवेक विहार में। अच्छा। करीबन कितने राउंड्स मार लेते हैं? राउंड तो ये समझ लो कि करीबन सुबह 6 बजे चलती है या और 4 बजे तक हटती है जाके। 4 बजे तक लगातार आप ऐसे छिड़काव करते रहते हैं मैडम? हाँ बहुत कम हो रहा है मैडम, बहुत कम हो रहा है। कब से चला रहे हैं आप ये एंटी स्मॉग गन, कौन से महीने में शुरू हो गई? ये दिवाली के बाद शुरू हुई थी, दिवाली के बाद। तो देखिए दिवाली के बाद से जब प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर आनंद विहार और गाजीपुर जैसे इलाकों में पहुंच गया था, तब से एंटी स्मॉग गन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब उम्मीद यही है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, दिल्ली के लिए मुसीबतें और बढ़ने की जगह बेहतर हो सके और प्रदूषण का स्तर नियंत्रित किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।